केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन दो टाइप्स की होती है, एक होता है बैलेंस्ड, एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड कौन सी रिएक्शन होती है, जहाँ पे रिएक्टेंट की बात करें, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में जो एटम्स का नंबर होता है या एलिमेंट्स के नंबर होते हैं वो सेम होते हैं। अनबैलेंस्ड रिएक्शन में, अनबैलेंस नाम से चला, अनबैलेंस्ड मीन्स जहाँ पे बैलेंसिंग नहीं होगी, मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर बात करें नंबर्स की वो डिफरेंट होंगे। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में क्या पढ़े थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम कंबाइन विद O2 इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। रिएक्टेंट क्या हुआ ये सबसे पहले कैसे लिखेंगे समझने के लिए, मैग्नीशियम रिएक्टेंट एक साइड, ऑक्सीजन कितना अमाउंट में 1, ये कितना है ऑक्सीजन कितना है 2 है। यहाँ पे मैग्नीशियम अगर देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट में कितना, ये रिएक्टेंट का हो गया, ये प्रोडक्ट का हो गया, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1। क्या ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, नहीं ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है, इसको बोलेंगे हम लोग अनबैलेंस्ड रिएक्शन। अब हमने क्या किया, इसको बैलेंस्ड कर दिया, बैलेंस करने के बाद अब इस रिएक्शन को बताना। अगर मान लो हमने यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या फॉर्म होगा, एम जी, अब इसको सब सिखाएंगे O2, इट विल फॉर्म 2MgO। अब देखो क्या इनबैलेंस हुआ, मैग्नीशियम तो अगर 2 यहाँ पे लगा दो, ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, ये कहलाएगी बैलेंस्ड इक्वेशन, इसको बोलेंगे बैलेंस्ड, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम देखो 2 है, 2 मैग्नीशियम यहाँ पे भी है, बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी, देखो आगे लगा 2 मतलब 2 पूरे में लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन 2 यहाँ पे भी है, इसको बोलेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। आगे अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है चलो बैलेंसिंग सीखते हैं, बैलेंसिंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारा बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे। एक हमने ऐसे एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम का लिया था, और कोई एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी को भी पढ़ते चलना है, एनसीईआरटी का एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, एक्टिविटी दी गई है, जिंक ग्रेन्यूल्स को H2SO4 मतलब एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं H2SO4 को, उसके साथ अगर कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, जिंक कंबाइन विद सल्फ्यूरिक एसिड इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखते हैं जिंक, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है अभी बताया था हमने, H2SO4 क्या फॉर्म करेगा, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फॉर्म होगा, ठीक है, जिंक कंबाइंड जिंक सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब जिंक क्या होता है, Zn, वेरी गुड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, क्या फॉर्म होगा, अभी हमने बताया था Zn क्या होता है, जिंक के ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है, ठीक है ये सब याद रखो, अभी इसमें रीजन भी पढ़ेंगे हम लोग, Zn के ऊपर 2 प्लस चार्ज क्यों होता है। कंबाइन करेगा ये दो पार्ट ब्रेकडाउन करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन अलग होगा और SO4 2- अलग होगा, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन अलग, SO4 2- अलग, ये इसके साथ कंबाइन करेगा क्या फॉर्म होगा, SO4 2-, तो क्या बनेगा ZnSO4, जिसको बोलते हैं हम लोग जिंक सल्फेट, क्या फॉर्म होगा ZnSO4। देखो यहाँ पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन बाहर हुआ तो मतलब क्या फॉर्म होगा, ये H2 बाहर निकल जाएगा। जल्दी से बताओ ये बैलेंस्ड रिएक्शन है एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, जिंक 1 मोल है, ठीक है, एक यहाँ पे अमाउंट 1 एटम है, हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन है, SO4 एक है, SO4 एक है, या ऐसे देख लो सल्फर एक है, सल्फर एक, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन वहाँ पे भी 4 है, ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं, पेपर में ऐसे भी दे सकता है कि व्हेन जिंक कंबाइन विद सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या बनेगा, ऐसे लिख देगा जिंक कंबाइन विद सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इसकी केमिकल इक्वेशन लिखो, केमिकल इक्वेशन इस तरीके से बनाई जाती है, जिंक Zn हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड हाइड्रोजन H2। नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखते हैं, FeRn है, आयरन को अगर हम लोग वाटर में डालते हैं तो क्या होगा, Fe कंबाइन विद H2O, एक मिनट बस सही करते हैं इसको, Fe अगर H2O के साथ कंबाइन होगा तो क्या फॉर्म करेगा, Fe3O4 इट विल फॉर्म Fe3O4। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से करो, सोचो दिमाग में क्या होगा, क्या बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलना चाहिए, बिल्कुल हाइड्रोजन बाहर निकलना चाहिए। अभी क्या बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, अनबैलेंस कैसे पता करेंगे, Fe देख लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, जाहिर सी बात है ये अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंस कैसे करेंगे,
बैलेंस करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले Fe लिखना, कौन सा एलिमेंट है, इस साइड हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट में कितना है Fe 1 है, हाइड्रोजन कितना है देखो 2 है ना, 2 हो गए, ऑक्सीजन कितना है 1 है, प्रोडक्ट में कितना है Fe कितना है 3 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, इसको बैलेंस करना है। अच्छा, इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 4 भी दिया गया है, यहाँ पे 3 दिया गया है, सबसे पहले रिएक्टेंट में इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्वेश्चन क्या होगी हमारी, देखो 3 मोल ऑफ Fe कंबाइन विद H2O फॉर्म Fe3O4 प्लस H2 बन जाएगा, ठीक है, इस केस में ऐसे हो जाएगा। अभी क्या बैलेंस है, नहीं बैलेंस है, अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करना, मतलब यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमने रिएक्टेंट में 4 से मल्टीप्लाई किया जहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे O4 यहाँ पे नहीं लगाओगे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, 4 जो होगा वो आगे लग जाएगा, मतलब 4 इससे भी मल्टीप्लाई कर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 4 लग जाएगा, समझते चल रहा है इसको, यहाँ पे 4 लग जाएगा, अब कितना हुआ, यहाँ पे 4 लगा दे, ठीक है 4 लिख देते हैं, 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, Fe कितना था, Fe 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया, हाइड्रोजन कितना है 4 2 8, यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ पे कितना है हमारा हाइड्रोजन, जल्दी से बताओ 2 है, वैसे का वैसा कोई चेंज नहीं इसमें, ऑक्सीजन की बात करें ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, और साइड कितना है ऑक्सीजन 4 है, बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को फोर्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको फोर्स मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन कहाँ पे यहाँ पे फोर्स मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स यहाँ पे 4 हो जाएगा, बैलेंस इक्वेशन क्या होगी हमारी 3Fe प्लस 4 मोल ऑफ H2O इट विल फॉर्म Fe3O4, ये फेरिक ऑक्साइड है, प्लस 4 मोल ऑफ H2, बैलेंस है कि नहीं, देखो 3 आयरन यहाँ पे भी हो गया, ठीक है 3 आयरन यहाँ पे, Fe यहाँ पे भी हो गया, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, ये हो गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन, चाहे जितनी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आएगी उसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बताएंगे हिट एंड ट्रायल मेथड भी होता है, जो छोटी मोटी क्वेश्चन होती है उसको आसानी से हम लोग इस तरीके से देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या कैसे बैलेंस होगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होती है उसमें ऐसा करना पड़ता, अगर पेपर में आएगा तो इस तरीके से हमको करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्लास में और भी रिएक्शंस देखेंगे, थैंक यू।